अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ज़रदा मेरे स्टाइल में, बहुत इजी, वेरी सिंपल और लजीज। चलें हम अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने एक देगची में पानी डाल लिया है, मेरे पास 1.5 जग पानी है वो मैंने ऐड कर लिया है, और साथ ही मैंने ले लिया है एक लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। और अब हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, और साथ ही मैंने ले लिए हैं चावल, ये मेरे पास 1/2 kg है। और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, और अब यह हम इसमें ऐड करेंगे। और सारे चावलों को डालकर अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जर्दा रंग। मैंने लिक्विड में ले लिया है जर्दा रंग, तो अगर आप चाहें तो आप पाउडर वाला जो होता है जर्दा रंग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे चावल तकरीबन उबल चुके हैं, ये 99% मैंने चावलों को गला लिया है। और अब मैं इनका पानी निकाल लूँगी, ये देखें। अब हम इनका ये बिल्कुल रेडी है पानी निकालने के लिए। अभी हम पानी निकाल कर चावलों को सेपरेट कर लेंगे, ये मैंने कर लिया है। और साथ ही मैं एक देचकी में ऑयल ऐड करूंगी, ये मेरे पास फुल बॉल है ऑयल का, इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। और ये मेरे पास शुगर है, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 बॉल शुगर ले लिया है, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अब इस थोड़ा सा हल्के से मिक्स करके, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी, ताकि जो हमारी शुगर वो बर्न ना हो और अच्छा से इसका शीरा बन जाए। और ये मैंने ले ली है जो हमारी हरी इलायची होती है, वो 8 से 10 दाने मैंने ले लिए थे, वो मैंने उसका छिलका उतार कर उसको मैंने पीस लिया था। और ये हम अब इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ये मेरे पास ड्राई मेवे हैं, किशमिश है मेरे पास, और थोड़े से काजू हैं मेरे पास, और थोड़ा सा पिस्ता है मेरे पास, मेरे पास कोकोनट है, और साथ ही मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम को मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे, और इसका मैंने छिलका उतार लिया है। आप चाहें तो अपनी चॉइस से जो ड्राई मेवे हैं ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब ये हम सब ऐड कर लेंगे, जो हमारा शीरा रेडी हो रहा था इसमें हम ऐड कर लेंगे। सबको हम ऐड करने के बाद तकरीबन हमने 3 से 5 मिनट इनको पकाना है, ताकि थोड़े से गल जाएं। और साथ ही मैं भी ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून कड़वा वाटर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें 2 से 3 मिनट। इस तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारे राइस बॉयल हो गए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हमने जब अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, और जब हमने इसको दम पर रखना है तो कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने जो इसकी फ्लेम है हाई रखनी है, ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए और ये जो पानी इसमें थोड़ा है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। ये देखें, अब हम इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम रखने के बाद इसकी जो फ्लेम है हमने बिल्कुल लो कर देनी है, उस पर हमने तकरीबन इसको 10 मिनट पकाना है। हमारे जर्दा को बहुत अच्छे से दम आ चुका है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूंगी खोया, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब ये थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर, और अब मैं साथ ही इसमें ऐड करूंगी ये मेरे पास ड्राई चेरीज है, थोड़ी सी ऊपर से ये जो हमारी चेरीज है वो गार्निश कर लेंगे। इसको 3-4 मिनट के लिए हम रख देंगे कवर करके स्लो फ्लेम पर। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी है, और ये देखिए हमारा जर्दा माशाल्लाह बहुत अच्छा लजीज रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपने रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जर्दे की इस वक्त, बहुत लजीज बना है। लीजिए फ्रेंड्स, मजेदार हमारा जर्दा रेडी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप मेरी रेसिपीज को लाइक करते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।